तो आज हमने स्टार्ट करना है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे अब ई की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज आपके पास एक चार्ज्ड वायर है, चार्ज्ड वायर इनफाइनाइट लेंथ की है, इन्फिनिटी का मतलब प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, एंड मुझे स्मॉल आर नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर ई की वैल्यू निकालनी है, किसकी वजह से, इस चार्ज्ड वायर की वजह से। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा, इस टाइम हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, हालांकि एक टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है और उसके अंदर भी हम करेंगे फ्लक्स। फ्लक्स में विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम इस रिजल्ट को बहुत छोटे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने गॉस नहीं किया, हमने फ्लक्स नहीं किया, तो अभी के लिए हम नॉर्मल इंटीग्रेशन से करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए करना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे, मैं आपको बताऊंगा और पूछूंगा उसका आंसर क्या होगा। पहले इस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। इस टॉपिक के साथ लिख सकते हो नॉट फॉर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में नहीं है इस मेथड के साथ, वैसे एनसीईआरटी में है लेकिन विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम जो अगली असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है मैंने, राइट? तो इस मेथड के स्टेप्स बस आपने ध्यान से देखने हैं, बट आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसमें कुछ स्टेप्स मुझे चाहिए होंगे, तो सिर्फ समझना है आपने। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने आर नॉट डिस्टेंस पे ई निकालना है, जहाँ ई निकालना है वहाँ इमेजिन कर लिया +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और आपने इमेजिन कर लिया कि मान लो इस वायर का एक एलिमेंट है डी क्यू, डीएल लेंथ का, और कितनी दूरी पे लिया आपने, एल डिस्टेंस पे लिया, एंड सिमिलरली एक और एलिमेंट लिया कहाँ पर, एल डिस्टेंस नीचे डीएल एलिमेंट लिया जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज है डी क्यू। अब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो फिगर सिमिट्री में होती हैं, जितनी लेंथ ऊपर है उतनी लेंथ नीचे है, उनका वाई कॉम्पोनेंट आपस में क्या कर जाता है, कैंसल। तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और इस सिचुएशन सेम है इसमें। कैसे? क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर जितनी वायर है, कितनी वायर है, इनफाइनाइट, तो इस एक्सिस के नीचे भी एग्जैक्टली सेम लेंथ ऑफ वायर है, कितनी, इनफाइनाइट। ना तो मुझे ऊपर बता ना मुझे नीचे बता। तो ऐसे केस में हम सिमिट्री में दो एलिमेंट्स लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर का जो एलिमेंट डी क्यू वो +1 को रिपेल करेगा विद इलेक्ट्रिक फील्ड डी, और ऊपर का जो एलिमेंट है उसने मान लो एंगल कितना बनाया, डी थीटा, और जो कि आपके एक्सिस के साथ उसने एंगल लिया थीटा, वो इसलिए लिया क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा वर्टिकली ऑपोजिट, और डी कैन बी रिजॉल्व इन टू टू पार्ट, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। सिमिलरली ये एलिमेंट यहां ई लगाएगा स्मॉल डी डी, और डी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं डी कॉस एंड डी साइन। और क्योंकि मैंने बताया कि फिगर सिमेट्री में है क्योंकि लेंथ ऊपर और नीचे बराबर है, तो साइन कॉम्पोनेंट आपस में कैंसिल, तो वाई एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा कितना, 2d cos थीटा, नहीं क्योंकि सिर्फ दो एलिमेंट्स लिए, दो एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन 2d cos थीटा। अगर मैं यहां चार एलिमेंट लूं, दो ऊपर दो नीचे, तो 4d cos थीटा, 6 लूंगा तो 6d cos थीटा, यानी कि हर एक एलिमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, d cos थीटा। तो रिंग की तरह ही डेरिवेशन है, रिंग में सिमिट्री में होती थी और उसमें भी 2d cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा एक तरफ इकट्ठे होते थे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट इज डी कॉस थीटा, और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो एक एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास नेट ई की वैल्यू आएगी। कैसे? डीई की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, स्मॉल एलिमेंट डी क्यू, डी क्यू डीई कितना लगाएगा, 1/4 πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो, डीई की जगह डी की जगह वैल्यू पुट कर ली 1/4 πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको डेंसिटी क्या गिवन है, लैम्डा। तो आप यहां पर डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल, कि लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू स्मॉल लेंथ डी एल। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां तक, ठीक? सिर्फ समझने हैं स्टेप्स, आपको कोई डेरिवेशन या कोई लिखवा के नहीं देख रहा, आपको एंड रिजल्ट बताऊंगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके अंदर अब जो इंटीग्रेशन है वो डीएल की फॉर्म में चल रही है, और जो थीटा है वो वेरिएबल है क्योंकि एलिमेंट थीटा एंगल पर होगा आपका। तो नॉर्मली ऐसे केस में हम अपने इंटीग्रेशन को डी थीटा की फॉर्म में चलाते हैं, जब एंगल्स, क्योंकि एलिमेंट थीटा एंगल पर है
और कोई भी एलिमेंट जो आप कंसिडर करते हो उसका एंगल डिफरेंट होगा, तो थीटा इज अ वेरिएबल, तो हम चाहते हैं अपनी इंटीग्रेशन डी थीटा की फॉर्म में चले, तो उसका एक तरीका है आप डी एल को डी थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, आप इसमें लिखें टैन थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर नॉट, टैन थीटा एल डिवाइडेड बाय आर नॉट, तो क्योंकि मेरे को रिलेशन किसका निकालना है डी एल और डी थीटा का, तो एल इज इक्वल टू आर नॉट इंटू टैन थीटा, दोनों तरफ को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर डी एल आ गया यहां पर डी थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर नॉट और टैन की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा। आपको ये स्टेप अभी बिल्कुल भी याद नहीं करना क्योंकि आपसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में एटलीस्ट इस तरीके से कोई डेरिवेशन या कोई रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा, हालांकि मैग्नेटिक इफेक्ट में सेम रिजल्ट आएगा और मैग्नेटिक में सेम डेरिवेशन आपकी एनसीईआरटी की डेरिवेशन है और ये आती भी है बोर्ड के अंदर इसी लेवल की, तो ये ना सोचें कि इतने एडवांस हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये एनसीईआरटी ही है, तो इतना तो प्लस टू के अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट डीएल को कैसे डी थीटा में कन्वर्ट करता है। तो मैं स्टेप्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ताकि जब उस दिन हम करें मैग्नेटिक इफेक्ट में तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा रिलेट कर पाए, राइट। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एल और आर नॉट का रिलेशन निकाला, डिफ्रेंशिएट किया, डी एल की वैल्यू इसके इक्वल आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो मैंने इस पूरे डी एल को उठा के यहां पे पुट कर लिया, तो डी एल की जगह क्या पुट किया, आर नॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इन टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब क्योंकि वेरिएबल थीटा चल रहा है और इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा हो चुकी है, मैं अभी एंड में बताऊंगा इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब लास्ट रिजल्ट है आर, मेरे को मेरा आंसर आर नॉट की फॉर्म में चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि आर तो वेरिएबल है, जितना एलिमेंट ऊपर लेंगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मेरे को ई कहां निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट, तो एक काम करते हैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा किसके इक्वल है, आर नॉट डिवाइडेड बाय आर, तो यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर नॉट बाय आर से आर की वैल्यू एक तरफ कॉस थीटा एक तरफ, इस आर को उठा के यहां पे पुट करने वाला हूं मैं, दैट इज आर नॉट इनटू सीकेंट थीटा, आर नॉट सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे डिनोमिनेटर में तो आपके पास आएगा आर नॉट स्क्वायर इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, आर नॉट से एक आर नॉट कैंसिल, पूरा सिंप्लीफाई करके आपके पास ये छोटा सा रिजल्ट आ गया। हालांकि आपने कोई स्टेप्स याद नहीं करने हैं बट एक स्टेप इंपॉर्टेंट है अब जो आपको ध्यान से देखना है वो ये, क्योंकि इंटीग्रेशन इसकी फॉर्म में आ चुकी है और लिमिट्स कैसे लगेंगे, क्योंकि लिमिट्स के साथ लिमिट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आने हैं आपको, मैं दिखाऊंगा भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, वापस चलते हैं। तो याद रखना इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे वायर का आधा आधा हिस्सा है, अगर मैं एंगल इस एक्सिस के नीचे लेता हूं तो वो एंगल होगा नेगेटिव, शायद हमने पहले भी कभी डिस्कस किया, और इस एक्सिस के ऊपर के जो लिमिट्स एंगल्स पुट किए जाएंगे वो होंगे पॉजिटिव। तो मैं लगा के दिखाता हूं, जब मैं वायर, क्योंकि मुझे पूरी वायर को की वजह से ई निकालना है और क्योंकि इंटीग्रेशन का जो ये फॉर्मूला बना वो किसकी फॉर्म में बन चुका है, एंगल डी थीटा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, तो लिमिट्स भी किसकी लगेंगी, एंगल्स की ही लगेंगी, तो एंगल की लिमिट लगाने के लिए पूरी वायर की कवरेज करनी पड़ेगी हमें, तो पूरी वायर का सबसे पहला हिस्सा मान लो लोएस्ट है, होता होगा किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर जाके, और आखिरी हिस्सा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी में जाके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे अगर मान लो ये वायर इन्फिनिटी ना होती, बस यहीं तक होती और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री होती, तो मैं पूछता कि बताओ लिमिट क्या लगाते, -30, अगर फाइनाइट वायर होती तो एंगल दिखता, अगर वायर लंबी होती तो ये एंगल और बढ़ जाता, वायर और लंबी होती एंगल और बढ़ जाता, वायर और लंबी होती एंगल और बढ़ जाता, ये तो वायर बढ़ती जा रही है अप टू इन्फिनिटी, तो लास्ट एंगल क्या लिया जाएगा यहाँ पर, पाई बाई टू, 90 डिग्री, क्योंकि इससे ऊपर ले नहीं पाएंगे, क्योंकि 90 से ऊपर जाने का मतलब यहाँ पे आना, और यहाँ तो वायर नहीं मिल सकती आपको। तो जब भी, अब ये याद रखना एक पॉइंट, मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर भी काम आएगा ये एक महीने बाद, कि जब भी वायर इन्फिनिटी होती है और आपको एंगल की लिमिट लगानी होती है तो वो एंगल क्या लिया जाएगा, लास्ट पाई बाई टू, पर क्योंकि ये एक्सिस के नीचे का एंगल है तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी माइनस पाई बाई टू, और ऐसे ऊपर का अगर एंगल लिया जाए तो ऊपर से भी वायर इन्फिनिटी में जा रही है तो ऊपर का लास्ट एंगल भी क्या लिया जाएगा, पाई बाई टू। तो इसलिए जब इनफाइनाइट वायर्स होती हैं तो आपने लिमिट्स क्या लगानी है, माइनस पाई बाई टू से लेके
प्लस पाई बाय टू, इसका मतलब वायर का लोअर एंड और अपर एंड इंफिनिटी पे है। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन, एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट, एक बार थीटा की जगह लोअर लिमिट, ये रहा पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस है, साइन 91 है, साइन 91 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, इस फॉर्मूले को पॉइंट टू रिमेंबर डाल सकते हो, क्योंकि प्रूफ तो नहीं आएगा जैसे मैंने बताया, पर ये फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा कि एक इनफाइनाइट वायर है और इस इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के आपका आंसर आएगा। पहला पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। अब दूसरा समझो, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वायर इनफाइनाइट है ही नहीं, वायर फाइनाइट है और आपके असाइनमेंट में आखिरी पेज पे ये क्वेश्चन है, आपको ई बताना है, सॉल्व करो ई आंसर क्या होगा, और गिवन वायर का लैम्डा लिख लेना, हाँ लैम्डा ई निकालना है इस केस में, क्योंकि अगर इन्फिनिटी होती वायर तो लिमिट्स क्या पुट करते आप, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब लिमिट्स क्या पुट करेंगे बोलो, इस एक्सिस के नीचे का एंगल कितना है 30, तो क्या पुट करेंगे, माइनस 30 डिग्री से लेके प्लस 60 डिग्री। तो जो अभी हमने फॉर्मूला किया, ये रहा फॉर्मूला, यहीं से लें या ये वापस लिखें या ये लिखें फिर से ये वाला पार्ट, तो ई की वैल्यू ये इन्फिनिटी तक आपको गिवन है, आपको आर नॉट डिस्टेंस पे ई निकालना है, तो लोअर एंगल आपको कितना गिवन है 30 और अपर एंगल कितना गिवन है इसमें 60, तो ई की वैल्यू इज 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट साइन थीटा की लिमिट बोलो क्या लगाएं। अब लिमिट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तो आएगी नहीं, लिमिट क्या आएगी, माइनस 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री, तो ई विल बी इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन ऑफ कितना 30 डिग्री, ये लो। तो आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से आंसर आएगा। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि आपने आपके क्वेश्चन को कैसे करना है, बस लिमिट्स का खेल है, अगर एक्सिस के नीचे का एंगल है नेगेटिव, ऊपर का एंगल है तो पॉजिटिव, पहला स्टेप क्लियर है। तो हम क्या करेंगे कि ये तो क्वेश्चन बार बार आते जाएंगे, वायर के नीचे कुछ एंगल है ऊपर कुछ एंगल है, और कौन याद करेगा ये इंटीग्रेशन का स्टेप, वैसे तो आसान है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक याद कर लो साइन थीटा और फिर लिमिट जो भी होंगी अकॉर्डिंगली लिमिट्स लगा लेना, बट आपकी बुक्स एक शॉर्टकट बनाती हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, नोट लिख लो एक इसी के आगे नोट, कि अगर ये वाला एंगल थीटा 2 है, इन जनरल ऊपर वाला एंगल थीटा 2 और नीचे वाला एंगल थीटा 1 है, तो आपकी बुक्स में ऐसी लिमिट लगी होती है माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2, तो यहां पर क्या जाएगा साइन ऑफ थीटा 2 माइनस माइनस साइन ऑफ थीटा 1, तो ई विल बी इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा, ये बुक्स में फॉर्मूला लिखा होगा हाउ टू कैलकुलेट ई एट अ डिस्टेंस ऑफ आर नॉट। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो लिख सकते हो फॉर्मूला नोट लिख के, कि इन जनरल थीटा 1 थीटा 2 की फॉर्म में अगर ये थीटा 2 या थीटा 1 तो लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2। इसके अंदर फाइनाइट है तो होगा, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे अभी, सिर्फ एक्स एक्सिस ही निकाल रहे हैं अब, तो ठीक होगा, इसमें होगा वो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा मेरे को, वैसे कॉस में आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 जो लास्ट टाइम किया था ना आर्क वाला, सेम ही रिजल्ट लगता है। ये कह रही है कि इसमें वाई कॉम्पोनेंट भी तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल अनइवन हो गए ना, तो वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, वो आर्क वाला सेम रिजल्ट 1/4πε0 लैम्डा बाय आर नॉट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वही रिजल्ट फॉलो करेगा फिर, तो आर्क के साथ मैच करता है, तो फिर याद रख लेना कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लगा देना बस, ठीक है यहां तक, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो जब ये फॉर्मूला यूज करना है ना, तो इस फॉर्मूले में इन जनरल आपने लिमिट पुट की हुई है, तो अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आए जिसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन हो और ये वाला एंगल कितना गिवन हो 30 डिग्री,
तो आप फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट करेंगे बताएं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट साइन ऑफ कितना 60 प्लस साइन ऑफ कितना 30 की माइनस 30, कितने लोग बोलते हैं माइनस 30, कितने बोलते हैं 30 30, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी यहां पर आपने माइनस यूज कर लिया है अब, तो इसलिए ऑलरेडी यूज कर लिया, तो माइनस माइनस एक बार प्लस हो। अब अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, अगर मेरी तरह ऐसे याद किया हुआ है फिर लिमिट्स पुट कर देनी है, फिर नेगेटिव हिसाब करनी है, फिर इंटीग्रेशन दिखानी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो आपकी मर्जी है ये करना है या ये करना है। अगर ये करना है तो वैल्यू पुट कर दें बस, बात खत्म। और अगर ये करना है तो फिर तो अपने आप ही माइनस और प्लस की लिमिट साथ में लगेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं एंगल क्या लेंगे, मतलब फॉर्मूला तो ये यूज कर ले, मैं कर लूं मैं यूज, बताओ इसमें एक एंगल क्या लगेगा। एक एंगल लगेगा इसमें जीरो, क्योंकि जो एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस के नीचे कोई वायर नहीं है, ठीक, क्योंकि अगर एक्सिस के नीचे होती अगर वायर फिर हम एंगल लेते माइनस में, एक्सिस के ऊपर होती तो प्लस लेते, पर एक्सिस के नीचे तो वायर है नहीं, तो इसलिए क्या एंगल लेंगे एक जीरो, और ऊपर इंफिनिटी है तो एक एंगल क्या लेंगे 90, तो एक इसमें जीरो और एक इसमें 90, डन। क्या है पॉइंट? क्लियर? और अगर ये क्लियर है तो फिर बताओ अगले में क्या लेंगे। नेक्स्ट आंसर निकालो प्लीज, आंसर।
हाँ जी, क्या एंगल आएंगे बोलो। ओके, मैं एक एक करके, कितने लोग बोलते हैं पहला आंसर 30 डिग्री या 90 डिग्री? ओके, कितने लोग बोलते हैं 60 डिग्री और 90 डिग्री? और क्या ऑप्शन बोला, 1 0 और 120? कितने लोग 0 एंड 120? 30 और 120। अच्छा, चलो वापस चलते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे, वापस चलते हैं। ये लो, मैं लिमिट नहीं लगाता, यहां तक तो सेम रहेगा ये, ठीक है? लिमिट लगाएं, फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से लिमिट देखो, कहां है एक्सिस हमारा, ये एक्सिस है। मैंने रूल बता दिया था, एक्सिस के नीचे के एंगल नेगेटिव, ऊपर के पॉजिटिव। तो बताओ इस एक्सिस से वायर का पहला एंड आपको ये दिखा, कितने एंगल पर दिखा? 30। -30 पे थोड़ी ना दिखा, +30 पे दिखा, क्योंकि ऊपर के एंगल नेगेटिव कैसे होंगे, ऊपर के एंगल पॉजिटिव होंगे। और दूसरा एंगल कहां पर दिखा? 90, तो +90। तो कितने लोगों ने ऐसा लगाया था? तो ठीक लगाया था, ठीक। तो इस एक्सिस के अगर नीचे का एंगल है तो नेगेटिव, ऊपर का एंगल है तो पॉजिटिव, और अगर दोनों के दोनों ऊपर हैं तो दोनों पॉजिटिव। अच्छा, सपोज करो क्वेश्चन ये रहा, देखो ध्यान से, इधर देखो, ये क्वेश्चन है अप टू इंफिनिटी, और लेट अस सपोज आपको आर नॉट डिस्टेंस यहां पे निकालना है, ई की वैल्यू यहां निकालनी है, सच दैट दिस इज 30, ऑब्वियसली दिस इज 90, तो लिमिट क्या लगेगी बोलो? -90 -30, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल अब क्या लेने पड़ेंगे? नेगेटिव। पॉइंट समझ में आया यहां तक? अगर एक्सिस के दोनों एंड नीचे हैं तो दोनों नेगेटिव, और अगर दोनों ऊपर है दोनों पॉजिटिव, एक नीचे है एक ऊपर है तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इस टाइप का अगर ऑब्जेक्टिव आएगा स्ट्रेट वायर पे, इनफाइनाइट का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फाइनाइट के एंगल समझ में आए कैसे लगेंगे, तो ये एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आएगा, तो इस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है?